नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को तीसरी गांधी मैदान में किया गया। इस संबंध में तीसरी वीडियो ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें भाग लेंगी। सभी मैच नॉकआउट होगा और जो टीम जीतेगी उसका जिले में प्रमंडलीय स्तर पर चयन होगा। उसके बाद राज्य स्तर की टीम का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिन होगा, पहला 7 दिसंबर यानी आज और दूसरा 9 दिसंबर को, जिसमें पहला मैच तीसरी और थानसी डी के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में जो टीम विजेता होगी उसे जिला भेजा जाएगा। गिरिडीह में यह प्रतियोगिता 6 से 10 दिसंबर तक चलेगी। फुटबॉल प्रतियोगिता हमारे प्रखंड तीसरी में प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारा 15 टीम भाग लेंगे। नॉकआउट के द्वारा टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा और उसे जो विजेता टीम होगा उसे खेलने के लिए हम लोग जिला भेजेंगे। फिर जिला से चयन होकर वो लोग अपना प्रमंडल स्तरीय टीम में चयन होगा। प्रमंडल स्तरीय के बाद उस राज्य स्तरीय टीम का चयन किया जाएगा। आज हमारा तीसरी प्रखंड में शुभारंभ हो रहा है। से ये प्रतियोगिता 6 से 10 दिसंबर तक चलेगी पूरा जिला गिरिडीह जिला में। ये हमारा 7 और 9 तारीख को रखा गया ताकि 2 दिन में ही हम लोग एक टीम का चयन कर लेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए तीसरी गिरिडीह से आनंद बरनवाल की रिपोर्ट।